चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज केप्ट ऑन द फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4. इफ अ फोर्स एफ ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर विल बी. देखो फोर्स आप इधर लगा रहे हो, इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अब अर्थ इसको खींच रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी इज इक्वल टू एम इन टू जी से, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इसी के इक्वल होगा, एम इन टू जी के इक्वल होगा. और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इन टू एन, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है और उसकी वैल्यू म्यू एस इनटू एन होती है. म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इनटू जी. एम की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 2 केजी, तो 2 इनटू जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लें तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन. तो ये वैल्यू अगर यहां रख दें, ठीक है 20 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन. तो मैक्सिमम फोर्स ये लगा सकता है रोकने के लिए. तो ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 2.5 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है. तो ऑटो एडजस्टिंग जो फ्रिक्शन होता है, आप जितना फोर्स आप लगाने की कोशिश करोगे, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स आप लगा रहे हो, तो ग्राउंड इसको रोकने के लिए, ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए उतना ही फोर्स यानी 2.5 न्यूटन का फोर्स रोकने के लिए लगाएगा. वो मैक्सिमम फोर्स नहीं लगाएगा, ये 8 न्यूटन का फोर्स जो ग्राउंड नहीं लगाएगा, ये 8 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम फोर्स है जो मैक्सिमम वो लगा सकता है. लेकिन रोकने के लिए लगाएगा कितना, जितनी जरूरत होगी उतनी लगाएगा. तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 2.5 न्यूटन का, तो ग्राउंड रोकने के लिए सिर्फ 2.5 न्यूटन का ही लगाएगा, मैक्सिमम यानी 8 न्यूटन का फोर्स वो नहीं लगाएगा. तो आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट है, 2.5 न्यूटन का. अक्सर ये गलती हो जाती, किसी से भी हो सकती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ए विथ मास 100 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक बी, ठीक है, ऑफ मास 200 किलोग्राम एज शोन इन द फिगर, हॉरिजॉन्टल रोप टाइड टू अ वॉल होल्डिंग इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2 व्हाइल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज 0.3. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स इज टू मूव, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए, बी को मूव कराने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ इसका एक फिगर बनाऊँ छोटा सा और सेपरेट फिगर बनाऊँ, अगर आप फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो बी का इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड जो लगाएगा, जो ग्राउंड लगाएगा वो एफ आर वन इसको कह देते हैं, वो बैक साइड लगाएगा, और ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ आर वन वो आगे की तरफ लगेगा. अब ब्लॉक आगे जा रहा है तो ए भी इसको पीछे की तरफ खींचेगा, एफ आर टू इसको कहो, और ब्लॉक ए को एफ आर टू लगा के आगे खींचेगा. तो टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स हैं वो कितने हो गए, एफ आर वन और एफ आर टू. तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो बी ब्लॉक को अपने उल्टे डायरेक्शन में खींच रहे हैं, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में वो खींचेंगे, तो उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, इन दोनों फोर्सेस के बराबर ये फोर्स लगना चाहिए. इट मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ आर वन प्लस एफ आर टू के बराबर लगना चाहिए. अब एफ आर वन की वैल्यू क्या होगी, एफ आर वन नीचे लग रहा है, तो म्यू ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यूज किया हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें एन वन कहा मैंने, इसमें म्यू टू इंटू एन टू कहा. इसमें म्यू टू, म्यू वन की वैल्यू है 0.3, ये 0.3 है, ठीक है, ग्राउंड और बी ब्लॉक के बीच की. और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, एन वन, एन वन इज इक्वल टू होगा एम वन प्लस एम टू इंटू जी. इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एम वन प्लस एम टू इंटू जी होगा. तो इसको आप लिख दें, ये है 200 प्लस 200 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 300 हो जाएगा, 300 इंटू 10 3000 हो जाएगा, 3000 इंटू दिस ये 900 आ जाएगा, सॉरी 900, ठीक है, ये हो गया आपका 3000 इंटू 0.3 900 आएगा, सही है. अब देखो एफ आर टू कितना होगा, एफ आर टू इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू मीन्स 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एन टू कितना होगा, एन टू होगा
m1 into g, m1 है 100 किलोग्राम, तो 100 into g 1000, तो 1000 इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 200 न्यूटन, FR2 200 न्यूटन, FR1 900 न्यूटन, तो दोनों का सम कितना आएगा, 900 प्लस 200 कितना हो गया 1100 न्यूटन, ये आपका आंसर सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस ऑन अ रफ फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज म्यू, व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली द ब्लॉक पुल हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो सबसे पहले एक लिफ्ट हम बनाते हैं, ये हमने लिफ्ट बना दिया, ये एक ब्लॉक बना दिया जिसका मास एम है, और अगर फोर्स आप इधर लगा के हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब ये लिफ्ट फ्रीली मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो अर्थ इसको खींचेगी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के m इंटू जी, और एक्सेलेशन अगर नीचे की तरफ है लिफ्ट का तो ऑब्वियस बात है सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, सूडो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है एफ जी माइनस एफ पी, एफ जी की वैल्यू है m इंटू जी, एफ पी की वैल्यू क्या होती है m इंटू ए, तो m कॉमन ले लें तो g माइनस ए होता है, तो f नेट की ये वैल्यू आ गई। f नेट में अब ध्यान रखना है आपको कि बॉडी जो है ये लिफ्ट जो है फ्रीली मूव कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है ये देखो यहां लिखा हुआ है करेक्ट है, फॉल फ्रीली, फॉल फ्रीली का मतलब है a इज इक्वल टू g के इक्वल होगा, तो यहां पर एक ही जगह g पुट करेंगे तो g g कट जाएगा और नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ये f नेट जो होता है f3 या कहें तो F2 के इक्वल होता है, और इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं F नेट, तो फ्रिक्शनल फोर्स में N इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और म्यू क्या होता है नॉर्मल, आप ये जानते हैं कि म्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और अगर मोशन में ऑब्जेक्ट आ चुका है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो अगर मैं कहूं कि मोशन में ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो n की वैल्यू अगर जीरो है तो म्यू के की वैल्यू कुछ भी होती रहे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एफ के इज इक्वल टू जीरो, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। इस केस में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नन ऑफ दीज, जीरो दिया नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये आंसर अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम वेट केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री स्टार स्लाइडिंग ऑन अ कांस्टेंट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना होगा, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल है 30 डिग्री और ये ब्लॉक है और इस पे अर्थ की ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी mg, तो ये कंपोनेंट अगर ये 30 डिग्री है तो ये mg cos 30 डिग्री होगा और अलोंग द प्लेन यानी प्लेन के पैरेलल होगा mg sin 30 डिग्री और नॉर्मल रिएक्शन n क्या होगा mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी μ into n, ठीक है तो μ into n, n की वैल्यू mg cos 30 डिग्री, तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से चलना है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको मूव करना है इसका मतलब mg sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। mg sin 30 नीचे की तरफ जो लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो mg sin 30 की वैल्यू अगेन पुट कर लेते हैं, fr इज इक्वल टू म्यू इनटू n, ठीक है और n की वैल्यू क्या है mg cos 30 डिग्री और इधर है mg sin 30 डिग्री, mg से mg कटा, tan 30 इज इक्वल टू म्यू होगा या म्यू इज इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है तो म्यू इज इक्वल टू 1/√3, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यानी ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज जिस केस में mg sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल रखता है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करना है अगर और फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है म्यू, तो अगर फोर्स के डायरेक्शन की बात करें फोर्स इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, अगर एफ इधर है तो ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस 60 डिग्री और वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन 60 डिग्री होगा और ग्रेविटी की वजह से एम जी नीचे लगेगा, तो अगर एफ कॉस 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में होगा, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना चाहिए
तो फ्रिक्शन फोर्स और एफ कॉस 60 डिग्री इक्वल होना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, यानी रेस्ट पे रहेगा, डज नॉट मूव, क्या है ना। तो इसके लिए आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, तो आपको उसके लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेज लग रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एम जी और एफ साइन 60 डिग्री। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ जी की वैल्यू होगी एम इंटू जी प्लस एफ इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और एम की वैल्यू है रूट थ्री इंटू जी, जी की वैल्यू 10 कर देते हैं, प्लस एफ इंटू रूट थ्री बाई टू। ये एफ नेट की वैल्यू हो गई। एफ नेट की आपका नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको आप एफ टू और एफ थ्री भी बोलते हैं हम लोग, जिसको हम, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है एन। तो अब ये वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन उठा के हम यहाँ रख दें, तो फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा म्यू इंटू एन, यानी 10 रूट थ्री प्लस एफ इंटू रूट थ्री बाई टू। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट थ्री है, ये पुट कर दिया 10 रूट थ्री प्लस एफ रूट थ्री बाई टू। अगर रूट थ्री कॉमन लेंगे तो बाहर रूट थ्री एक डिनोमिनेटर में कट जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 5 इंटू एफ बाई फोर, ये एफ एफ आर आएगा फ्रिक्शन फोर्स, 5 प्लस एफ बाई फोर, और एफ इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई टू होती है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, एफ बाई फोर उधर ले जाएंगे, एफ बाई टू माइनस एफ बाई 4 इज इक्वल टू 5, यानी f बाई टू, एफ बाई फोर, सॉरी f बाई फोर इज इक्वल टू 5 आएगा। इट मीन्स f इज इक्वल टू 820 हो जाएगा, 20 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ए वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। अ फोर्स F इज इक्वल टू mg एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल साइड ऑफ द ब्लॉक पुल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस। तो फोर्स लग रहा है इधर, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए एफ साइन थीटा, और वर्टिकल का कंपोनेंट होना चाहिए एफ कॉस थीटा, और अर्थ की ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को खींचेगी एम जी फोर्स लगा के। एफ साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में मूव करना चाह रहा है, तो इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड है, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं mg और f cos थीटा, तो mg माइनस f cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन होगा। f की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है m इंटू जी, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू m इंटू जी ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा आएगी। ये वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो f r इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। और अगर इस ऑब्जेक्ट को चलना है तो f sin थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के, यानी एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, यानी म्यू एम जी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और एफ साइन थीटा लिख के आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें एम इंटू जी, इसको अगर कॉस थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर थीटा की जगह 2 थीटा की जगह थीटा रखा जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे, तो ये पुट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला रखें तो 1 कट जाएगा। और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो f इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से यहाँ 2 कटा, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कटेगा, तो ये आ जाएगा एफ इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू एम जी इंटू साइन थीटा बाई 2। तो अगर इसको थोड़ा सा एफ की वैल्यू क्या है, एम जी के बराबर है, तो एम इंटू जी कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी साइन थीटा बाई 2, एम जी से एम जी कटेगा, और ये अगर इधर लाए तो कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू के ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला नहीं सॉरी डी वाला अप्रोप्रिएट है ना, थीटा बाई 2 है ना, डी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है थीटा,
ब्लॉक है रखा हुआ एम मास का, अर्थ इसको खींचेगी एम जी फोर्स लगा के, इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, और अलोंग द प्लेन होगा एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। और ऑब्जेक्ट को अगर आगे की तरफ मूव कराना है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो आगे की तरफ मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, तो इंटेंशन ऑफ मोशन आगे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स रफनेस की वजह से पीछे की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होगी एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए के इक्वल होगा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू पुट किया और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है एम जी कॉस थीटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो म्यू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, और ये जो नेट फोर्स फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा, अगर एम और जी कॉमन ले लें तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, जी की वैल्यू दिया नहीं तो मैं 10 पुट कर दे रहा हूँ उसको भी, 10 इंटू साइन 30, साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू कॉस 30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0.5 इंटू रूट 3/2 ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा 1/2 प्लस ये रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 3/4 होगा, और ये वैल्यू आएगी अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये 4 एलसीएम होगा 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा 100 इंटू 2 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाई 4। तो जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मूव कराने के लिए वो हो जाएगा 100 इंटू 3.732 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 25, और 25 में मल्टीप्लाई करते हैं 3.732 का, तो कैलकुलेटर से कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.732, तो ये वैल्यू आ रही 93.3 न्यूटन की वैल्यू आ रही है, और जी की वैल्यू 10 रखा, ध्यान रखना। तो ये इससे सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 91.4, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर 9.8 रखोगे तो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना चाहिए जो क्लोजेस्ट आंसर हो, तो 91.4 न्यूटन इज द क्लोजेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी कितना होगा। तो दो सिचुएशन है, जब आपने फोर्स लगाया उस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, एमास का ऑब्जेक्ट है, एम जी अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल होगा, और इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में होगा क्योंकि फोर्स आपका राइट साइड में लग रहा है, तो ग्राउंड रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है, और इसको ओवरकम करने के लिए आपने फोर्स लगाया अपनी तरफ से 64 न्यूटन का, और ये वैल्यू म्यू एस इंटू एन के इक्वल है, और ये 64 इज इक्वल टू म्यू एस 0.6 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी, तो मैं एम की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो यहां से पुट करके 0.6 इंटू जी ये वैल्यू निकाल सकता हूं। अब जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर चुका इस फोर्स की वजह से, तो ये फोर्स में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है 64 न्यूटन का वही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर चुका है राइट साइड में, तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होगी, ठीक है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, और वो होगा एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ की वैल्यू है 64 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी होगी, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एफ के की वैल्यू पॉइंट म्यू के की वैल्यू 0.4 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी, तो एफ के की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू यहां रखते हैं 0.4 इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम इंटू ए। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो ए इज इक्वल टू 64 माइनस 0.4 एम जी डिवाइडेड बाई एम, अगर मैं इसे लिख दूं 64 बाई एम माइनस 0.4 इंटू जी,
m की वैल्यू यहां पर कितनी है 64/0.6g, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 64/64/0.6 इंटू जी माइनस 0.4 इंटू जी, 64 से 64 गया, a इज इक्वल टू 0.6g माइनस 0.4g, a की वैल्यू 0.2g के इक्वल आई। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ ब्लॉक मूविंग अप एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 0.5 सेकंड देन म्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर एक ब्लॉक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर मोशन कर रहा है, तो mg और इसका मास है m, तो mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा, ठीक है इस केस में, और ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये रिटार्डेशन होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, मोशन ऑब्जेक्ट उधर चल रहा कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होगा, और ये एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम इंटू ए वैल्यू, एफ नेट की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितना होना चाहिए, अगर मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लग रहा है और mg sin थीटा भी इधर लग रहा है, तो mg sin थीटा प्लस fr इज इक्वल टू m into a, और fr की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा होता है, तो fr इज इक्वल टू म्यू इंटू n होगा, तो fr इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, ये fr की वैल्यू यहां रख दें, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos theta is equal to m into a, m common लेके कट जाएगा, तो a is equal to g sin theta plus mu g cos theta, ये acceleration की value हो गई, correct है, लेकिन अगर object नीचे जा रहा होगा तो यही acceleration की value उल्टी हो जाएगी, यानी g sin theta minus mu g cos theta हो जाएगा, ये point याद रखना, ये retardation है, इसको लिख दें हम, ये retardation हो रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा उस केस में, तो ये नीचे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस केस में ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होगी, तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू यूज की जाएगी, और फाइनली ऑब्जेक्ट यहां जाके रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, और रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दिया इनटू t, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो t इज इक्वल टू यू बाई ए यूज कर सकते हो, t इज इक्वल टू यू बाई ए, और a की वैल्यू यहां हम लोगों ने निकाल ली है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन, अगर g दोनों में से कॉमन ले लें तो g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा t की वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टाइम की वैल्यू कितनी है, t is equal to 0.5 सेकंड में रुक जाता है, और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो 0.5 is equal to 5 अपॉन g की वैल्यू मैं 10 पुट कर देता हूं, 10 इंटू साइन 30 प्लस म्यू इंटू कॉस 30, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 10 होगा, ये कट जाएगा और ये 10 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आया, और ये से 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होने वाला है, इसको अगर इधर सॉल्व कर लें, साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 इज इक्वल टू 1, साइन 30 वैल्यू 1/2 प्लस म्यू इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 2, यानी म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, या ऐसे लिख दें म्यू इज इक्वल टू 1/√3, म्यू की वैल्यू रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से यूज कर लूं 1/1 / 1.732, तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है कितना 0.577 म्यू की वैल्यू आ रही है 0.577, ये 0.6 के ऑलमोस्ट आ रहा है,
ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, द बॉडी इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 25 न्यूटन, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होता है, पहली बात टोटल वर्क डन ये जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा म्यू, या ऐसे लिख दें पहले एफ आर इंटू एक्स। तो आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एफ आर इंटू एक्स। अब 10 मीटर डिस्प्लेस होता है और जो फोर्स लगाया जा रहा है 25 न्यूटन का, तो एफ की वैल्यू 25, 10 माइनस एफ आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ आर इज इक्वल टू होता म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू क्या होती है, m इंटू जी, तो म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 0.2 इंटू मास कितना है 5 किलोग्राम, 5 लिख दिया, g की वैल्यू 10 दिया हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10, ये हो जाएगा 250 माइनस 100, यानी 150 न्यूटन का जो है काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 150 जूल की, न्यूटन नहीं सॉरी, जूल की काइनेटिक एनर्जी बॉडी को मिलेगी, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग 2 किलोग्राम ब्लॉक अप ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट 10 मीटर दिया हुआ है, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो सबसे पहली बात, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक को यहां से यहां तक मूव कराया आपने, 10 मीटर की हाइट तक मूव कराया, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है 2 kg। तो आपने जो वर्क डन किया, वर्क डन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में और एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, या एनर्जी लॉस बोलो इसे, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलो, बात एक ही है। तो ये जो एनर्जी है जो आपने अप्लाई की, यानी वर्क किया ब्लॉक पे, वो 300 जूल का है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई MgH, ग्राउंड पे था, 2 kg का ब्लॉक है, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, 200 जूल की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये वैल्यू यहां रख दो 200 प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कहो, या वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलो, बात एक ही है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू 100 जूल आएगी, अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आएगा, 300 माइनस 200, 100 जूल, 100 जूल की वैल्यू आएगी। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A block of mass 50 kilogram slides over a horizontal distance of 1 meter. If the coefficient of friction between their surfaces is 0.2, then work done against friction kitna hoga? To work done against friction force hoga, frictional force into displacement. Frictional force ka calculation hota hai mu into n. और n की वैल्यू क्या होती है, m इंटू जी, क्योंकि हॉरिजेंटल सर्फेस रखा है, n इज इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू जी, ये हो जाएगा 500 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर यहां रखी जाए, एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, में म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 500, तो ये हो जाएगा
100 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, ये वैल्यू यहां रख दो 100 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितने का है 1 मीटर का, तो ये आ जाएगा 100 जूल का फ्रिक्शनल जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हो गया 100 न्यूटन का, 100 जूल का। और क्योंकि ये सबसे करीब जो है ऑप्शन 98 है, क्योंकि जी की वैल्यू हम लोगों ने रखी है, जी की वैल्यू हम लोगों ने 10 रखी थी, अगर जी की वैल्यू 9.8 रखोगे तो ये ऑप्शन जो आएगा वो 98 जूल के आसपास ही आएगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर यही है, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होता है वही देना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।